हो और अपने फ्रेंड्स को भी बता देना कि राशिद खान आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, उनके फादर के डेथ के बावजूद भी ये वापस नहीं गए। बात करते हैं एलेक्स करी आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे जैक वेदरलैंड के साथ, दोनों ही शानदार ऑप्शन है, आप इन टीम में ले सकते हो। कॉलिन इंग्राम लास्ट में जो शानदार फॉर्म में देखिए 75 रन का स्कोर करके इन्होंने दिया था, आप इन टीम में ले सकते हो। उसके बाद बात करें मैथ्यू स्टॉट आपके लिए शानदार ऑप्शन है, आप इन टीम में ले सकते हो। उसके बाद बेल्स जो कि 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, आप इन टीम में ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ से जैक लेमन को आप ले सकते हो दोस्तों, 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। नेसर एक अच्छे ऑलराउंडर हैं दोस्तों, लेकिन इनके बल्लेबाजी करने का इतना चांस मिलता नहीं, लेकिन बॉलिंग शानदार करते हैं, आप इन टीम में रख सकते हो। उसके बाद बात करें राशिद खान आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, कैमरून बेलेंटे आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे क्योंकि पीटर शेडल हो गए हैं हार। उसके बाद बात करें बेल लॉफलिन खेलते हुए नजर आ जाएंगे, बिली स्टेनली आपके लिए शानदार चॉइस हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं मेलबोर्न की टीम के बारे में, जो एंड्रू फटिक थे उन्हें रिमूव कर दिया स्ट्राइक दोस्तों स्क्वाड से, उनकी जगह जियो मेनान को टीम में ऐड कर लिया गया है। चलिए बात करते हैं यहां से मैकेंजी हार्वे सैम हार्पर के साथ ओपन करने के लिए आ जाएंगे दोस्तों, दोनों ही शानदार ऑप्शन है। सैम हार्पर भी लगातार अच्छी बैटिंग करके दे रहा है, 30-35 रन का स्कोर करके दे रहा है हर एक मैच में, और मैकेंजी हार्वे जो कि 2 मैच खेले उनमें भी ये दोस्तों एक में 21 का स्कोर किया, एक में 30 रन का स्कोर किया, आप इन्हें टीम में ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से दोस्तों कैमरून व्हाइट आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकते हैं, टॉम कूपर दोस्तों लगातार टॉम कूपर और कैमरून व्हाइट जो कि सीनियर बल्लेबाज हैं टीम के, दोनों ही लगातार फेल चल रहे हैं दोस्तों, तो आपको एक शायद से इस मैच में एक अच्छी स्कोर करके दे दें। मोहम्मद नबी जो कि 4 नंबर पर प्रमोट कर दिए जा रहे हैं दोस्तों, अच्छे ऑलराउंडर हैं, आप इन टीम में ले सकते हो। उसके बाद बात करें डेल क्रिश्चियन ने लास्ट में जो शानदार परफॉर्मेंस किया था, आप इन टीम में रख सकते हो। उसके बाद बात करें दोस्तों बेबे स्टार को टीम में रख सकते हो दोस्तों, शानदार ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। बिल्डमोर्थ और जैक जियो मेनान में से आपके लिए एक कोई खेलते हुए नजर आ जाएगा, पता नहीं जियो मेनान को टीम मौका क्यों नहीं दे रही, शानदार गेंदबाज हैं जबकि। उसके बाद बात करें दोस्तों कैमरून रॉयज आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, लास्ट में 2 विकेट निकाल के दिए थे, अकेले एकमात्र बॉलर है, इन्होंने विकेट निकाले। तो उसके बाद बात करें यहाँ से केन रिचर्डसन खेलते हुए नजर आ जाएंगे, शानदार बॉलर है, लगातार विकेट निकाल रहे हैं, यदि पिछले मैच को निकाल दिया उसके पहले दोस्तों लगातार हर एक मैच में विकेट निकाल के दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ से उस्मान खान शेनवारी आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है, लेफ्ट आर्मर काफी अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी खासी पेस बॉलिंग करते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों ड्रीम 11 टीम के बारे में और हमारा जो लेटेस्ट फैंटेसी ऐप है क्रिक ड्वेल उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों क्रिक ड्वेल उसके बारे में बात करें दोस्तों इस ऐप के बारे में, इस ऐप की लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। बात करें दोस्तों इसमें सिर्फ आपके लिए 8 प्लेयर खिलाने हैं, मात्र एक विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर और 2 बॉलर। जी हाँ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 8 प्लेयर खिलाना है। चलिए बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, आपके लोडमैन खेलते हुए नजर नहीं आएंगे तो आपके लिए एलेक्स कैरी बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। बात करें फर्स्ट बैट्समैन की, यहाँ से मैं दोस्तों कॉलिन इंग्राम के साथ जाना पसंद हूँ, आप चाहो तो इन दोनों में से किसी को पिक कर सकते हो। सेकंड बल्लेबाजी की बात करें दोस्तों यहां से आपके लिए मैकेंजी हार्वे के साथ जाना पसंद करूंगा, आप जैक बेल्स या कैमरून व्हाइट को भी टीम में पिक कर सकते हो। बात करें थर्ड बल्लेबाज की, यहां से थर्ड बल्लेबाज की बात करें दोस्तों मैं मार्कस हैरिस आपके लिए खेलते हुए नजर आएंगे नहीं, टॉम कूपर के साथ जा सकते हो या लेमन के साथ जा सकते हो दोस्तों, तो मैं यहाँ से टॉम कूपर के साथ जाना पसंद करूंगा। बात करें फर्स्ट ऑलराउंडर की दोस्तों मैं मैथ्यू स्टॉट के साथ जाना पसंद करूंगा, आप नबी या क्रिश्चियन को भी टीम में ले सकते हो। उसके बाद बात करें सेकंड ऑलराउंडर में दोस्तों आपके लिए यहाँ से इतने सेफ ऑप्शन इनमें से कोई है नहीं, तो मैं नेसर के साथ जाना पसंद करूंगा। बात करें फर्स्ट बॉलर मैं राशिद खान के साथ जाना पसंद करूंगा, आप चाहो रिचर्डसन या पीटर शेडल तो आपके खेलते हुए नजर आएंगे नहीं। चलिए बात करते हैं दोस्तों सेकंड बॉलर मैं यहां से बिली स्टेनली के साथ जाना पसंद करूंगा, आप चाहो उस्मान खान या कैमरून वॉयज या बिल्डमोर्थ के साथ भी जा सकते हो दोस्तों। चलिए बात करते हैं टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन की, मैं टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों एलेक्स कैरी या कॉलिन इंग्राम में से रखूंगा दोस्तों, मैं एलेक्स कैरी कैप्टन और कॉलिन इंग्राम को वाइस कैप्टन रखूंगा। चलिए बात करते हैं कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है हमें, आप यहां से दोस्तों कोई सा भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, इसमें ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोस्तों आपके लिए काफी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में। उसके बाद हेड टू हेड में भी आपके लिए काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं दोस्तों, बहुत अच्छा ऐप है, इसकी लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके आप इसे खेल सकते हो, शानदार ऐप है। चलिए बात करते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में। फ्रेंड्स अभी तक आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बात करें यहां से विकेट कीपिंग में आपके लिए एलेक्स कैरी बेस्ट ऑप्शन है, लोडमैन तो शायद आपके लिए खेलती हुई नजर भी ना है, तो मैं यहां से एलेक्स कैरी के साथ जाना पसंद करूंगा। चलिए बात करते हैं यहां से बल्लेबाज डिपार्टमेंट, बल्लेबाज एरोन फिंच आपके लिए खेलती हुई नजर नहीं आएंगे, ट्रेविस हेड भी नहीं खेलती हुई नजर आएंगे, कैमरून व्हाइट जो कि लगातार फेल चल रहा है, एक मैच में सिर्फ 32 रन का स्कोर किया था, उसके बाद दोस्तों पूरे मैचों में फैल रहे हैं, तो आप चाहो तो इन्हें पिक कर सकते हो, आप चाहो तो इनसे दूर भी रह सकते हो, यहां से आप जैक वेदरलैंड की जगह आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहां से
जैक बेदरलैंड खेलते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों। अच्छे बल्लेबाज हैं और लगातार ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हैं, आप इन्हीं टीम में पिक कर सकते हो और ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, आप इन्हीं टीम में ले सकते हो दोस्तों। मैंने आपके यहाँ से पिक किया, आप चाहो तो इन्हें रिमूव भी कर सकते हो, आप चाहो तो इन्हें पिक भी कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से सेकंड बल्लेबाज की, सेकंड बल्लेबाज की बात करते हैं यहाँ से। मैंने कॉलिन इंग्राम को पिक किया है जो कि लास्ट मैच में शानदार फॉर्म में दिखे और काफी अच्छे बल्लेबाज हैं दोस्तों। आप सबको पता है कॉलिन इंग्राम कितने शानदार बल्लेबाज हैं, तो मैंने इन्हें पिक किया है। चलिए बात करते हैं यहाँ से मार्कस हैरिस खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। जैक वेल्स को आप टीम में ट्राई कर सकते हो यदि आप चाहते हो तो, सैम हार्पर की जगह जैक वेल्स को ट्राई कर सकते हो। जैक वेल्स जो कि 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। चलिए बात करें टॉम कूपर जो कि लगातार दोस्तों अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं, तो आप चाहो तो इनको भी ट्राई कर सकते हो दोस्तों। आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कोई, आप जैसे चाहो ट्राई कर सकते हो। मैं अपनी बेस्ट टीम बनाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, उस हिसाब से पिक करता हूं। आप चाहो तो आप अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हो। उसके बाद बात करें सैम हार्पर आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे और ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, लगातार ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हैं दोस्तों। 30-32 रन का स्कोर करके हर एक मैच में दे रहे हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात करें जैक लेमन जो कि 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात करें केल्विन स्मिथ और इन दोनों में खेलते हुए कोई नजर आपके लिए आएगा नहीं। मैकेंजी हार्वे आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, लगातार ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दे रहा है, तो आप इन्हें टीम में पिक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से ऑलराउंड डिपार्टमेंट में तीनों टॉप मोस्ट ऑलराउंडर को पिक किया है। यदि आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो तो यहाँ से बेलेंटे को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ से और ऑप्शंस की, और ऑप्शन वेविस्टर आपके लिए खेलते हुए नजर ना आए शायद और आ भी जाए दोस्तों, इनके बारे में कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता। आपके लिए तीनों ऑलराउंडर जो बेस्ट हैं आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे और लगातार अच्छी परफॉर्मेंस भी दोस्तों करके दे रहे हैं, चाहे जिल क्रिश्चियन हो या मैथ्यू शॉर्ट है या नबी है, दोस्तों तीनों ही शानदार परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ से बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, आपके लिए राशिद खान खेलते हुए नजर आ जाएंगे, लगातार 1-2 विकेट निकाल के दे रहे हैं, मतलब औसतन निकाला जाए तो 2 विकेट हर एक मैच में निकाल के दे रहे हैं, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात करें बिली स्टेनली आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, काफी अच्छे गेंदबाज हैं दोस्तों, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हो। केन रिचर्डसन लगातार विकेट निकाल के दे रहे हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो दोस्तों और आपके लिए खेलते हुए नजर भी आ जाएंगे। बात करते दोस्तों यहाँ से पीटर सिडिल खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, यदि आपने इन्हें स्क्वाड टीम में ले रखा हो तो आप इन्हें कर देना रिमूव। देखते हैं दोस्तों अभी भी 41% लोगों ने इन्हें टीम में ले रखा है दोस्तों, तो यदि आप उनमें से आप हो एक भी हो तो आप इन्हें रिमूव कर देना है दोस्तों, आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। चलिए बात कर दिया बेन लॉफलिन आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट में दोस्तों कितने अच्छे फॉर्म में नहीं देखे, जो जैसा कि लास्ट टूर्नामेंट में फॉर्म में देखे थे दोस्तों। उसके बाद बात करें जियो मेनायन को आप ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग में यदि एक से अधिक टीम बना रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो। बॉयस आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, शानदार गेंदबाज हैं दोस्तों, लास्ट मैच में 2 विकेट उन्होंने निकाल के दिए थे। सेन बारी दोस्तों खेलते हुए नजर आ जाएंगे जो कि पाकिस्तान के लेफ्ट आर्मर पेस गेंदबाज हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो आप इन्हें टीम में ले सकते हो। उसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ से वोल्डमर्थ शायद टीम चांस ना दे या जी इनकी जगह जियो मेनान को चांस दे दे, और यहाँ से दोस्तों इतना अच्छा ऑप्शन कोई बचता नहीं। चलिए बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें दोस्तों, यहाँ से आपके लिए 3 से 4 शानदार ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले दोस्तों आप एलेक्स कैरी को ज्वाइन कर सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन, और उसके बाद कॉलिन इंग्राम को भी दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से और ऑप्शन की दोस्तों, आपके लिए डेल क्रिश्चियन शानदार ऑप्शन है, मैथ्यू शॉर्ट और मोहम्मद नबी, आप इन तीनों में से भी किसी को ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। और भी दोस्तों जो भी कुछ मेरे पास लेटेस्ट न्यूज आएगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आप ज्वाइन कर लें दोस्तों, क्योंकि जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है मैं वहां पर अपडेट करता रहता हूं दोस्तों। आपके लिए यहां से इनसे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं रहेगा दोस्तों, एलेक्स कैरी कॉलिन इंग्राम दो शानदार ऑप्शन जे हैं दोस्तों, कैप्टन वाइस कैप्टन और तीनों ऑलराउंडर में से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन। चलिए देख लेते हैं टीम का फाइनल प्रीव्यू, टीम के फाइनल प्रीव्यू के बारे में बात करें दोस्तों, आपके लिए एलेक्स कैरी खेलते हुए नजर आ जाएंगे आपके लिए एज अ विकेट कीपर, आप यहाँ से टीम चेक कर सकते हो दोस्तों, शानदार टीम है। आपको यहाँ से 3 बल्लेबाज दोस्तों एक टीम के हो गए, 3 बल्लेबाज एक टीम के हो गए, 3 बॉलर एक टीम के हो गए और 3 बॉलर एक टीम के हो गए दोस्तों, आप यहां से देख सकते हो दोस्तों शानदार टीम है आपके लिए, वेल मेंटेन टीम है, आप इसके साथ जा सकते हो। यदि दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।